नमस्कार, आप देख रहे हैं ICB न्यूज़। बिहार में लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही है। आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर कई बच्चों की जान चली गई। दरअसल जिले में लगातार 7 दिनों से हुई बारिश के कारण अधवारा समूह, बागमती और लक्ष्मणा नदी जहाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं जिले के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ का आंशिक असर भी है। बाढ़ के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में लगे फसल बर्बाद हो गए हैं, वहीं कई लोगों की नदियों में डूबने से मौत भी हो गई है। इधर बाढ़ के पानी में जुड़वा बहने सहित 4 बच्चों की मौत हुई। बाढ़ के पानी में डूबने के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई है। गहरे पानी में डूबने से 4 की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बलहा गांव के सोएब अंसारी के पुत्र हुसैन अंसारी, 17 साल के 11 वर्षीय इमरान नहाने के कमरे में गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं भैंस चराने गई भीमा मकलेश्वर गांव निवासी रामसुंदर राय की जुड़वा बेटी 13 वर्षीय राधिका और लक्ष्मी भी बाढ़ के पानी में डूब गई। रामसुंदर राय ने बताया कि राधिका का पांव फिसल जाने के कारण जब वह डूबने लगी तब लक्ष्मी उसे बचाने लगी। इसी क्रम में डूब जाने के कारण दोनों की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी भेजा गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुपरी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। मामले को लेकर पुपरी थाना अध्यक्ष ने बताया है कि यूडी केस कर एक मामला दर्ज कर लिया गया है, चूँकि घटना पुपरी थाना के बलहा पंचायत की है।